अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक कुछ नया जानेंगे। ये देख सकते हैं, एक चार्जिंग लाइन लगा के रखा हूँ मैंने मैनिफोल्ड में। यहाँ से ये सिस्टम है, ये LG का लीनियर कॉम्प्रेसर है दोस्तों। नया कॉम्प्रेसर लगाया हूँ मैंने, देख सकते हैं। ये फ्रॉस्ट फ्री इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर है और यहाँ से इसको ऑन करते हैं। ये ऑन किया मैंने। अब आपको इसमें दिखाना क्या चाहता हूँ दोस्तों मैं, जो कि बहुत ही कम टेक्नीशियन को मालूम है दोस्तों, मतलब बहुत ही कम टेक्नीशियन जानते हैं इसके बारे में। जो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस कॉम्प्रेसर की जो खासियत है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रेसर है दोस्तों, इसका जो देखो, सबसे पहले तो ये नया कॉम्प्रेसर लगाया हूँ मैंने। अब इस कॉम्प्रेसर का जो पंपिंग रहता है वो बहुत ही कम रहता है, जो रेगुलर कॉम्प्रेसर रहता है उसके मुकाबले में इसका पंपिंग बहुत ही कम रहता है दोस्तों। लगभग 80 से 120 के आसपास होता है। देखिए अभी इसको चालू किए थे अपन ने, तो इसका पंपिंग अपन चेक करेंगे। ये नया कॉम्प्रेसर का पंपिंग इसीलिए चेक कर रहे हैं दोस्तों, अगर से पुराना कॉम्प्रेसर का पंपिंग चेक करते तो कोई टेक्नीशियन बोलता कि सर ये तो पुराना कॉम्प्रेसर है, इसकी वजह से पंपिंग इसका चले गया होगा। देखिए ये स्टार्ट हो गया है और इसका पंपिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये थोड़ा स्लो जाएगा दोस्तों। स्लो जाने का कारण ये है कि अपन डायरेक्ट इसका डिस्चार्ज में नहीं लगाए, जो पंपिंग चेक करते हैं कंडेंसर प्लस हो के डिस्चार्ज से लगाए अपन ने, इसीलिए इसका पंपिंग थोड़ा स्लो जाएगा। जहाँ पे फिल्टर लगाते हैं वहाँ से लगाए हो मैंने, तो इसके साथ कंडेंसर भी प्लस है, कंडेंसर में जाके यहाँ पे पंप गेज मैनिफोल्ड में आ रहा है, इसीलिए थोड़ा स्लो जाएगा, वरना ये बराबर जाता। और इसका पंपिंग बहुत ही स्लो कम रहता है दोस्तों, और ये टेक्नीशियन बहुत कम टेक्नीशियन लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छे से काम करते हैं दोस्तों, और मुझे ऐसे रेफ्रिजरेटर में काम करने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए थोड़ा स्लो हो रहा है यहाँ पे, ये 50 के आसपास गया है अभी। ये नया कॉम्प्रेसर है दोस्तों, आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये पुराना कॉम्प्रेसर है इसलिए इसका पंपिंग स्लो है या चल कम हो गया। इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ नए कॉम्प्रेसर में, कि इसका नया कॉम्प्रेसर में इस तरीके से इसका पंपिंग होता है। और ज़्यादातर दोस्तों इस कॉम्प्रेसर में इसका पंपिंग ही जाता है, पंपिंग ही कम होता है। वैसे ये कॉम्प्रेसर इसकी लाइफ बहुत होती है दोस्तों, क्योंकि ये नॉइज़ लेस होता है। इसका स्ट्रक्चर जो रहता है बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है। कॉम्प्रेसर बहुत कम ख़राब होता है, बस इसमें एक फॉल्ट आता है कि इसकी पंपिंग बहुत जल्दी चले जाती है। कभी भी आप इस कॉम्प्रेसर की गैस चार्जिंग करने जाओ या कुछ करने जाओ, अगर से गैस चार्जिंग का इशू है तो उसमें पहले इसका पंपिंग चेक करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इस कॉम्प्रेसर की पंपिंग बहुत जल्दी ही चले जाती है। अगर से नॉर्मली आप हाथ से चेक करोगे तो बोलोगे कि इसका पंपिंग गया है, इसलिए इसका प्रेशर मीटर लगा के चेक करना पड़ता है। ये इसका एम्पियर शो हो रहा है, देख सकते हैं कितना जा सकता है नया कॉम्प्रेसर का पंपिंग, अपने को पता चल जाएगा दोस्तों कि नए कॉम्प्रेसर का पंपिंग इतना रहता है तो पुराने का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलेगा। ज़्यादा ही कम है तो अपन इसको नहीं लगा सकते। तो ये अभी 100 क्रॉस कर चुका है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कॉम्प्रेसर होता है दोस्तों, इसकी बहुत लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए 110 क्रॉस कर के 120 के आसपास में आ गया है, 110 और 120 के आसपास में दोस्तों, 115 इसका पंपिंग गया है टोटल, यहाँ पे स्टॉप हो गया है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है। तो देखा दोस्तों नए कॉम्प्रेसर का पंपिंग इतना है, आप कभी भी नए कॉम्प्रेसर का पंपिंग इतना रहता है दोस्तों, आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि आप ऐसा नहीं समझना कि इस तरीके से पंपिंग बता रहे तो इसका पंपिंग गया हुआ है दोस्तों। नए कॉम्प्रेसर का पंपिंग इतना ही रहता है, खास सिर्फ लीनियर कॉम्प्रेसर में दोस्तों, दूसरे कॉम्प्रेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वर्टर लीनियर कॉम्प्रेसर की। अब इसको बंद कर देते हैं, थैंक यू दोस्तों।